आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, यहां पे क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग द ब्रांच्ड चेन पॉलीमर इज, तो ऑप्शन वन है पीवीसी, ऑप्शन टू है पॉलिएस्टर, ऑप्शन थ्री है लो डेंसिटी पॉलीइथेन एंड ऑप्शन फोर है 9066। तो पहले हम देख लेते हैं ब्रांच चेन पॉलीमर और लीनियर पॉलीमर में क्या डिफरेंस होता है। लीनियर पॉलीमर में क्या होता है, एक ही मेन जो चेन होता है वही रहता है। ब्रांच चेन पॉलीमर में क्या होता है, जो मेन मोनोमेरिक जो मेन चेन होता है पॉलीमर के वो तो प्रेजेंट रहता है, और साथ में क्या होता है, जो साइड चेन्स होता है यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो साइड चेन एज अ ब्रांच चेन के तरफ ब्रांच चेन के तरह वो रह जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं ब्रांच चेन पॉलीमर। अब इसके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये सब कुछ क्या होता है, लो होता है। लीनियर जो पॉलीमर होता है उससे ये सब कुछ लो होता है। तो अब हम यहाँ पे जो एग्जांपल्स है वो देख लेते हैं। जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका जो मेन मोनोमेरिक जो यूनिट है वो क्या होता है, CH2CHCl whole N, ये होता है पीवीसी का मोनोमेरिक यूनिट। तो ये क्या होता है, ये बेसिकली लीनियर स्ट्रक्चर होता है, जनरली पीवीसी लीनियर पॉलीमर होता है। ओके, दूसरा जो ऑप्शन दिया गया है वो है पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर क्या होता है, पॉलिएस्टर एक सिंथेटिक फैब्रिक है, ओके सॉरी सिंथेटिक फाइबर है पॉलिएस्टर। ये इसका जो ये कैसे फॉर्म होता है, पॉलिएस्टर बेसिकली एल्कोहल और एसिड के बीच अगर हम कंडेंसेशन रिएक्शन करवाएंगे तो पॉलिएस्टर फॉर्म होता है। तो इसका भी अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये भी लीनियर है, ये सिंथेटिक फाइबर है। ओके, ऑप्शन थ्री क्या दिया गया, ऑप्शन थ्री है लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन। ये कैसे फॉर्म होता है, जो इथिलीन गैस होता है CH2CH2, ये इथिलीन गैस को अगर हम ये जब पॉलीमराइज करता है, हाई प्रेशर होना चाहिए, तो हाई प्रेशर यानी कि 1000 to almost 3000 atm, हाई प्रेशर और टेम्परेचर होना चाहिए नियरली 170 to 250 degree centigrade। ओके, ऐसे टेम्परेचर में यहाँ पे ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनिशिएटर, ओके इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनिशिएटर ये जब पॉलीमराइज करते हैं तो फॉर्म होता है लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन CH2 whole N। ये होता है लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन का मोनोमेरिक यूनिट। अब ये जो लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन ये जो फॉर्म होता है, इसका जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। ओके, यहाँ पे ऑलमोस्ट 15 to 30 ब्रांचेस रहते हैं, लेंथ वेरी करता है लेकिन ऑलमोस्ट 15 to 30 ब्रांचेस रहते हैं। तो लीनियर लोअर डेंसिटी पॉलीइथिलीन ये होता है ब्रांच्ड पॉलीमर। ओके, और लास्ट जो हमारा ऑप्शन था वो है नाइलॉन 66। क्या होता है, जो एडिपिक एसिड यानी कि CH2 CH2 4 CH4, और इसके साथ अगर हम हेक्सामिथिलीन डायएमिन, इसका जब रिएक्शन होता है, जो कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, वहां से हमें मिलता है नाइलॉन 66। तो ये एक एमाइड टाइप ऑफ पॉलीएमाइड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, यहाँ से CH2 4 4 C double bond NH CH2 whole 6 NH, ये होता है जो नाइलॉन 66, इसका मोनोमेरिक यूनिट होता है ये। तो ये भी एक लीनियर स्ट्रक्चर है। ओके, ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर नहीं है। तो ब्रांच्ड पॉलीमर क्या होगा, जो लोअर डेंसिटी पॉलीइथिलीन, इसको हम कहते हैं ब्रांच्ड पॉलीमर। तो अगर हम ऑप्शंस चेक कर लेंगे तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन, लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन ये होगा ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।